अनित्य भावना पर मेडिटेशन का प्रयोग हम करने जा रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण है अनित्यता का बोध। जाने अनजाने हमारे अंदर एक संस्कार है, वो सबसे बड़ा संस्कार, सबसे गहरा संस्कार है उस नित्यता का। क्योंकि कितने ही जन्मों से, कितने काल से हम शरीर के साथ आत्मा का जुड़ाव को देख रहे हैं। आत्मा के साथ शरीर इतना एकमेक रहता है कि उसे यही लगता है कि मैं शरीर हूं, और इसीलिए हम फिजिकल कॉन्शियसनेस में रहते हैं, संसार में उलझे रहते हैं, और इसलिए बाहर की घटनाएं हमें बहुत आयत में प्रभावित भी करती है। पर हमें बोध करना है कि मैं वह शरीर नहीं, मैं वो आत्म तत्व हूं, मैं वो कॉन्शियसनेस हूं। और इसीलिए अनित्य भावना का प्रयोग भगवान महावीर ने किया। करीब 6 महीनों तक उन्होंने खड़े खड़े ध्यान किया अनित्य अनुप्रेक्षा का। और उसी प्रकार से कितने ही तीर्थंकरों ने अनित्य भावना पर प्रवचन दिए और प्रयोग किए। हम भी एक प्रयोग अनित्यता का करें, इससे हम इरिटेशन फ्री बन पाएंगे, इससे हम चेंजेस और चैलेंजेस को रेडिली एक्सेप्ट करते हुए अपने जीवन में पॉजिटिव परिवर्तन और परिष्कार ला सकेंगे। गर्दन और कमर सीधी रहे, लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड ऊपर, वीतराग मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, शरीर स्थिर, मन शांत, पूरा शरीर रिलैक्स, शिथिल, दोनों पैर शिथिल, दोनों हाथ रिलैक्स, पूरा मिड बॉडी, पेट, हृदय, गला, पीछे कमर, पीठ और गर्दन, पूरा मध्य शरीर शिथिल, रिलैक्स। ऊपर चेहरे का भाग और मस्तक एकदम शांत हो, विचारों पर, वस्तुओं पर अपनी पकड़ एकदम ढीला छोड़ें, पूरी तरह से रिलैक्स करें। जो हमारी पकड़ है, पूरी जकड़न है, उसे ढीला छोड़ना है, एकदम रिलैक्स, एक हल्केपन का अनुभव, फील लाइट लाइक अ फेदर, रूई की भांति अपने आप को एकदम हल्का अनुभव करें। कुछ दीर्घ श्वास का प्रयोग, दो तीन लंबे दीर्घ श्वास लें, छोड़ें और फील करें आपका मस्कुलर सिस्टम, आपका नर्वस सिस्टम रिलैक्स, आपका बॉडी, आपका माइंड स्ट्रेस फ्री हो रहा है, एकदम रिलैक्स हो रहा है। इस सुपर रिलैक्स्ड मोड में वो फील करें अपने भीतर, अपने शरीर में होने वाले उन प्रकंपनों को, उन परिवर्तनों को। शरीर के किसी भाग में गर्मी का अनुभव हो रहा है, कहीं शीतलता का, कहीं सॉफ्टनेस का, कहीं हार्डनेस का। कहीं एकदम स्मूथ है, कहीं रफनेस। अनुभव करें अपने अवचेतन मन में प्रोग्रामिंग हम करेंगे अनित्यता, 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 अनित्यता एक सत्य है, जो आया है वो जाएगा, मेरा ये समय भी बीत जाए, मुझे किसी पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है, मैं आत्मनिर्भर हूं। भीतर गहरा अनुभव अपने आत्म अस्तित्व का, पूरी एकाग्रता और तन्मयता अनुभव करें अपने भीतर। Yeah.
संकल्प करेंगे, मैं परिवर्तन को स्वीकार करता हूँ, युग में होने वाले, प्रकृति में होने वाले, मेरे शरीर में होने वाले, रिश्ते और व्यापार में होने वाले परिवर्तनों को स्वीकार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। जैसे जैसे हम परिवर्तनों को स्वीकार करते हैं, हम उस परिवर्तनों के अनुसार अपने आप को मैनेज कर पाते हैं, अपने आप को हैंडल कर पाते हैं, फील करें उन परिवर्तनों में भी मैं अपने आप को स्मूथली हैंडल कर रहा हूँ, बहुत अच्छे से मैं इन सब परिवर्तनों को हैंडल कर पा रहा हूँ। एक्सेप्टेंस और एडेप्शन, मैं एक्सेप्ट भी कर रहा हूँ, एडेप्ट यानी उसके अनुसार ढल रहा हूँ, पॉजिटिवली ढल रहा हूँ, और इससे मेरी लाइफ में परिष्कार आ रहा है। जो चीजें मुझे बुरी लग रही थी कि वो आदमी ऐसा क्यों बोल रहा है, मैं उस परिवर्तन को एक्सेप्ट कर पा रहा हूँ। अब मेरे अंदर वो फ्रस्ट्रेशन नहीं आता, मेरे अंदर वो इरिटेशन नहीं है, मेरे अंदर चिड़चिड़ापन कम हो रहा है, मैं परिवर्तनों में भी प्रसन्नता की अनुभूति कर रहा हूं, इन परिवर्तनों में भी अपने भीतर उस प्रसन्नता, उस प्रकाश, उस पावर का अनुभव कर रहा हूं, अपने भीतर परिवर्तनों के साथ भी प्रसन्नता, प्रकाश और पावर का अनुभव करते हुए लंबा गहरा श्वास लिए, छोड़ते हुए करे महाप्राण ध्वनि। दोनों हाथों को कोमलता से आंखों के पास ले जाए, प्रसन्न मुद्रा के साथ प्रयोग संपन्न।